बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। मैं हूं शिवानी। मैं हूं कुनाल। वेलकम गाइस हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है रिएक्शन वाला कपल। तो गाइस आज की वीडियो है HKD मुफ्ती तारिक मसूद चैनल से और वीडियो का टॉपिक है जब अल्लाह और फरिश्ते नज़र ही नहीं आते तो क्यों माने नॉन मुस्लिम का एतराज़। ओके टॉपिक मतलब जो नहीं मानते ना उनके लिए मतलब है ये टॉपिक है कि जब अल्लाह और फरिश्ते नज़र ही नहीं आते तो क्यों माने। तो एक बार वीडियो कर लेते हैं लास्ट में, फिर हम इसके लिए हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू हम रखना चाहेंगे और आपको बताना चाहेंगे। मुफ्ती तारिक मसूद साहब की वीडियो है और मुफ्ती साहब का अपना खुद का चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस करके है, आप चाहो तो उनको सब्सक्राइब कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। तारिक मसूद साहब के बयान सुनने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। जज़ाक अल्लाह। खैर ये तो किस्से चलते ही रहते हैं। तो मैंने सूरह मुल्क की तफसीर बयान कर रहा था कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है कि अहले जहन्नम जब जहन्नम के करीब जाएंगे तो जहन्नम के दारोगा उनसे पूछेंगे अलम यातिकुम नज़ीर, के तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया। वो कहेंगे हाँ मगर हमने उसका इनकार किया। आगे ये आयत तो हो गई थी, आगे है लव कुन्ना नस्माउ। ये बच्चे क्यों शोर कर रहे हैं भाई? लव कुन्ना नस्माउ औ नाकिलो मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, अगर हम सुनते या अकल से काम लेते तो जहन्नम में नहीं जाते। बड़ी जबरदस्त आयत है। इससे पता चला कि जहन्नमी क्या कहेंगे, दो मिस्टेक हुई है हमसे, सुनने में गलती की है और समझने में गलती। पता चला इंसान कहीं भी पहुंचता है ना, हक तक पहुंचने के लिए उसको अपने कान सही रखने पड़ते हैं, कानों का इस्तेमाल सही और सोचने का इस्तेमाल। अगर सोचेगा दुरुस्त मगर सुनेगा दुरुस्त नहीं फिर भी गड़बड़ होगी। अगर सुनेगा दुरुस्त मगर सोचेगा दुरुस्त नहीं फिर भी क्या करेगा? मुझे तो लग रहा है ना आप सोच रहे हैं ना सुन रहे हैं। भाई एक कैमरा जो ऐसा लगाओ यार जो पब्लिक भी आ जाया करे उसमें। मैं बार बार बोलता हूँ बोलो ना भाई बोलो ना भाई, फिर भी कैमरे में आवाज़ नहीं आती ना, मुझे तो फिर भी आ जाती है। लोग कहते हैं पता नहीं कोई जिन्नात बैठे हैं क्या है, ये ड्रामे तो नहीं चल रहे। तो मुसलसल कैमरा फोकस रहता है मेरे ऊपर, इससे भी एक परेशानी होती है। तो इनसे हमने कहा एक और कैमरा लो ताकि थोड़ा सा पब्लिक भी दिखा दो। ये जो टीवी वाले तो ऐसे ड्रामे करते हैं कि एक बंदा बिठाएंगे यूं कर रहा होगा ना, दो चार बंदों को ना यूं यूं करके उनकी वो वीडियो बना लेते हैं, फिर जब भी कोई बयान करो उसी को दिखा रहे होते हैं रिपीट करके। एक दफ़ा हमारे एक जामिया के उस्ताद के टेलीविज़न वाले इंटरव्यू लेने के लिए आए, इंटरव्यू लिया तो फिर कहने लगे अब आप ना यूं 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 करें। वो कहें क्यों करूँ भाई? कह रहे हम कुछ आपके जो है ना वो शॉर्ट्स लेंगे और फिर हम वो चलाएंगे। उन्होंने कहा मुझसे ये ड्रामा नहीं होता। तो ये जो मजाहिया प्रोग्राम आ रहे होते हैं ना इसमें भी जो लोग बिठाए हुए होते हैं वो उनको एक दफ़ा हंसाया जाता है हा हा हू करके, वो रिकॉर्डिंग होती है, उसके बाद फिर वो पूरे एक घंटे कोई भी हंसता, इतने बोर हो रहे होते हैं वो, तो वही उनका शोर और वही उनकी हंसी और कह के दिखा रहे होते हैं, ये ड्रामे चल रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ ये ड्रामा नहीं है ना, तो फिर हम इसलिए बात बोलते हैं हंस लो या रो लो, कुछ चेहरे से जाहिर करो कि बात समझ में आ रही है। तो देखो वो क्या कहेंगे, नाकिलु औ लव कुन्ना नस्माउ औ नाकिलु, सुनते या समझते तो फिर हम जहन्नम में ना जाते। इसको इस इस्तिलाह में कहते हैं दलील नकली और दलील अकली। दलाइल की दो किस्में हैं, एक को दलील नकली कहा जाता है और एक को दलील बोलो भाई अकली। दलील किसे कहते हैं? उर्दू में दलील कहते हैं, दलील की डेफिनेशन किसी शय का ऐसा होना कि उसके तसव्वुर से किसी दूसरे शय का तसव्वुर पैदा हो जाए। देखो हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र नहीं आती, यही तो गैर मुस्लिम कहते हैं ना, जन्नत नज़र नहीं आती, जहन्नम नज़र नहीं आती,
फरिश्ते नज़र नहीं आते, अल्लाह नज़र नहीं आता, तो हम क्यों ईमान लाएं? तो याद रखो, दुनिया में जब भी हक को साबित करना होता है तो आपके ज़िम्मे दलील देना है, उस चीज़ को दिखाना आपके ज़िम्मे। अदालत में जब केस चलता है, अदालत में जब केस चलता है कि इसने मेरे 1 करोड़ रुपए खाए हैं, यही होते हैं ना अदालत में, इसने मेरे क्या खाए हैं, 1 करोड़ रुपए। जज के पास जब मुकदमा जाएगा, आपने जाके जज के सामने केस किया, जी वसीम कबाड़िया ने मेरे 1 करोड़ रुपए खाए, जज जवाब में क्या मैंने तो नहीं देगा है? कभी ऐसा हुआ भाई? जो हिंदू लोग कहते हैं कि हमें तो जन्नत नजर नहीं आती, हमें तो जहन्नम नजर नहीं आती, हमने तो अल्लाह को नहीं देखा, जो ईथियस लोग कहते हैं हम तो गॉड को नहीं मानते, हमने तो गॉड को नहीं देखा, तो मैं उनसे कहता हूं कि जब तुम अदालत में केस करते हो और कहते हो कि वसीम कबाड़िया ने मेरे 1 करोड़ रुपए, ईथियस में वसीम कबाड़िया नहीं होता, जो ईथियस किस्म के लोग होते हैं ना वो बहुत ही हाई प्रोफाइल लेवल एजुकेटेड लोग होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि जब पेट अच्छी तरह भरा हुआ होता है ना फिर इंसान को हरी हरी सूझती है, फिर वो अपने रब का, बोलो भाई, गरीब आदमी इनकार नहीं करता, अक्सर ये पेट भरे हुए लोगों का काम है जिन्हें फुल तमीज से मिल रहा होता है, समझ रहे हो? जैसे वो बोल टीवी में की जो खातून थी उसको बहुत ज़्यादा क्रिस मिल गया था ना, तो बाप के आंखों में आंखें डाल के कह रही थी, जब खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? जो बहुत ज़्यादा पेट भरा होता है फिर ऐसी बातें सोचती हैं, गरीबों को ये बातें नहीं सोचती। तो वो जो लोग कहते हैं हमें नज़र नहीं आता, तो भाई अदालत में आपने केस किया कि भाई इसने मेरे कितने खाए हैं, 1 करोड़, जज कहे मैंने तो नहीं देखा, चलो निकलो यहाँ से। अदालत में तो सारे केसेस वही आते हैं जो जज ने देखे ही नहीं होते, न वकील ने देखे होते हैं, ज्यादा 99.99% केसेस वो आते हैं जो किसी ने भी देखे नहीं होते। उलमा के पास जो केसेस आते हैं सुबह शाम, झगड़ों के, विरासत के झगड़े, मियां बीवी के झगड़े और महल्ले वालों के झगड़े और सियासी झगड़े, इनमें जिसके जिसको भी सालिस बनाया जाता है उसने हकीकत को अपनी आंखों से नहीं देखा होता। तो इस बेस पे कभी भी केस खारिज नहीं किया जाता कि चूंकि मैंने देखा नहीं है लिहाजा मैं आपकी बात पर यकीन नहीं करूंगा। अगर जज कहे कि भाई केस खारिज करो चूंकि मैंने देखा नहीं है, तो आप कहेंगे हजरत आपको इसलिए बिठाया है कि हर चीज नजर नहीं आती, आपके सामने हम दलील से साबित करेंगे। अगर हम ऐसे दलाइल दे दें जिससे ये साबित हो जाए कि इसने 1 करोड़ रुपए खाए हैं, तो आप इस बेस पे इनकार नहीं कर सकते कि मैंने अपनी आंखों से, बोलो भाई, नहीं देखा। तो अब क्या करेगा मुद्दई? दलील पेश करेगा, और दलील पेश करना मुद्दई के जिम्मे होता है, मुद्दा अलैह के जिम्मे, बोलो ना यार, नहीं होता। ये भी बिल्कुल एक बदी ही चीज है। जैसे गफ्फार भाई ने सलीम कबाड़िया पे केस किया, 1 करोड़ रुपए में इसने खाए हैं, जज कहते हैं मैंने नहीं देखा, ये भी गलत। और जज कहता है वसीम कबाड़िया से कि तुम गवाह पेश करो कि तुमने नहीं खाए, वो पेश कर सकता है? कोई भी गवाह को लेकर आएगा, गवाह कहे इन्होंने नहीं खाए, तो जज पूछेगा कि तुम 24 घंटे इसके साथ रहते हो, है भाई? हो सकता है उस वक्त खाए हो जब तुम इनके पास मौजूद ना हो। तो किसी चीज के होने पर दलील दी जाती है, ना होने पर दलील नहीं दी जाती। इस पर दलील का मुतालबा जज जो है वो वसीम कबाड़िया से नहीं करेगा, वो गफ्फार भाई से करेगा। गफ्फार भाई, आप जो कह रहे हो कि इसने खाए हैं, आप कोई गवाह लेकर आओ जो ये जो जिनके सामने आपने इसको 1 करोड़ दिए हों, क्योंकि वसीम कबाड़िया कह रहे हैं मैंने 1 करोड़ नहीं लिए, ये कह रहे लिए, तो आप कोई डॉक्यूमेंट पेपर आपके पास होने चाहिए देने के, नहीं लेने के कोई पेपर। वसीम कबाड़िया, तुम्हारे पास कोई पेपर है कि तुमने नहीं लिए? वो कहेगा मेरे किस किस के, कल कोई बोलेगा इसके 20 रुपए खाए हैं, वो 20 करोड़ खाए हैं, दस में 1 अरब पेपर होंगे मेरे पास, फिर कि इसके भी नहीं खाए, उसके भी नहीं खाए, 1 अरब 22 करोड़ इंसानों में से कोई भी केस कर सकता है, तो 1 अरब 22 करोड़ पेपर होंगे मेरे पास कि किसी के भी, बोलो ना यार, नहीं खाए।
इसलिए मैं वो मसला बार बार बयान करता हूँ, कजाए उम्री बगैर पढ़े मुआफ हो जाती है, इसकी कुरान और हदीस से दलील पेश करो। दलील हमारे जिम्मे नहीं है, दलील आपके जिम्मे है कि नमाजें बगैर पढ़े भी मुआफ हो जाती हैं। कुरान और सुन्नत से तो यही साबित है, जब भी नमाज कजा हुई तोबा भी की गई है और कजा भी पढ़ी गई है। ये तो आपने मसला 15वीं सदी में एक बिदत निकाल ली कि 20 साल की नमाजें अगर कजा हो जाएं तो बस तोबा काफी है। इसकी क्या कुरान और सुन्नत में दलील है? इसकी तो कोई भी दलील नहीं है। तो दलील मुद्दई के जिम्मे होती है। वसीम कबाड़िए से नहीं पूछा जाएगा कि आप पेपर लेकर आओ कि आपने नहीं खाए। नहीं खाने के पेपर नहीं होते, पैसे नहीं लेने के पेपर नहीं होते, पैसे देने के पेपर होते हैं। काश कोई पुलिस वाला होता है यहां पे। अब समझो बात को। अब क्या है, सलीम गफ्फार भाई ने पेपर पेश कर दिए और गवाह भी पेश कर दिए, अंगूठे भी, शनाख्ती कार्ड भी, देखो इसने 1 करोड़ रुपए लिए। अब केस की नौयत क्या हो गई, चेंज। अब जज पूछेगा लेना तो साबित हो गया। अब वसीम कबाड़िए से कहेगा कि ये तो साबित हो गया कि तुमने 1 करोड़ लिए हैं। तो वसीम कबाड़िए कहते हैं हां लिए हैं, वो तो साबित हो गया, मानता हूं, लेकिन मैं दे चुका हूं। अब इस पर दलील किसके जिम्मे है? वसीम कबाड़िए। वसीम कबाड़िए के जिम्मे है। जब लेना साबित हो गया तो अब वापसी ये एक नई चीज है। अब अगर जज बेवकूफ हो, जैसे कि हमारे एक जज ने कहा है कि छोड़ो छोड़ो यार, जजों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, जज बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है ना, तो वो फिर फाइनल का टॉपिक चेंज हो जाता है। तो वो जज ने अब क्या किया कि इस गफ्फार भाई से कहा कि तुम कोई पेपर पेश करो कबाड़ी पे कि इसने पैसे वापस नहीं किए। तो अब ये जज की क्या होगी? अच्छा, बेवकूफी। भाई पैसे लेना साबित हो गया, ये कह रहा है दिए हैं, तो किसके सामने दिए हैं? कोई गवाह लेकर आओ, कोई पेपर। तो अब पेपर पेश करना या गवाह पेश करना किसके जिम्मे है? मुकदमे की नौयत क्या हो गई? चेंज। और आसान मिसाल में समझा तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुफ्तियों को बेवकूफ बहुत समझा करो। और ये जो नई नई फिल्में मार्केट में आ रही हैं, कजाए उम्री के दलाइल, ये सब बेचारे वो लोग हैं जो इल्म से फारिग हैं। इल्म से क्या है? फारिग हैं। इनको चंद हदीसें याद हो जाती हैं, उनके नंबर याद कर लेते हैं और बैठ कर लोगों को मुफ्ती बन के फतवे झाड़ना शुरू कर देते हैं। जो वाक्य में मतलब आज जो मुफ्ती साहब ने जो मिसाल दिया ना, सबसे अलग ही है। गफ्फार भाई और वसीम कबाड़िया, कबाड़िया क्या नाम है, मेरे को उसका नाम आता है डिम्पल, जैसे डिम्पल कबाड़िया वो थोड़ा मिल रहा है, कबाड़िया कबाड़िया तो कबाड़िया, जैसे कबाड़ी जो होता है ना वो, मे बी कबाड़िया, ऐसे ना बहुत सारे अपने नाम सुने हैं, जैसे फर्नीचर वाला, फ्रूट वाला, फर्नीचर वाला है, ऐसे सेकंड नाम है, ऐसे ऐसे नाम होते हैं। तो फर्नीचर क्या था वाला, फर्नीचर वाला कबाड़िया कबाड़िया। तो ये मिसाल तो उनके नाम निकाले आज, तो ये मिसाल तो वाक्य में याद रहेगी। और बिल्कुल सही बात बोली है। और एक जो मेन था ना कि अल्लाह और फरिश्ते नज़र नहीं आते तो क्यों इनको क्यों माने, एज अ एथिस्ट लोग जो कहते हैं, तो देखो दिखती तो हमें ऑक्सीजन भी नहीं है, तो क्यों लेते क्यों फिर हम सांस ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं? ऑक्सीजन तो दिख नहीं रही है, तो फिर सांस भी लेना छोड़ देना चाहिए इस मारे। तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो दिखती नहीं है। ऑक्सीजन पे भी विश्वास ना करो, ऑक्सीजन है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो दिखती नहीं है। तो एक चीज़ ये तो बताइए ना कि अगर कोई ऐसा जो बंदा आपको अगर टकराता है हमें आपको, तो उसमें दलील हमें किसी के होने की दलील हम दे सकते हैं, बट किसी के नहीं होने की दलील नहीं दे सकते। अल्लाह हैं, फरिश्ते हैं, तो उनकी दलील हम दे सकते हैं, बट जो कोई है ही नहीं उसकी दलील हम नहीं दे सकते। उसका एग्जांपल जो बताया एकदम सही एग्जांपल बताया और समझ आ गया
कि अगर किसी ने किसी के पैसे लिए हैं तो जिसने पैसे दिए हैं वो दलील पेश करेगा कि भाई मैंने उसको पैसे दिए हैं, मेरे पास से पैसे वहां गए हैं, तो मेरे पास पूरी दलील है कि ये इन बंदों के सामने गए हैं, ये गवाह हैं। और फिर वो बंदा साबित नहीं करेगा जिसने पैसे लिए हैं, वो नहीं साबित करेगा कि मैंने पैसे लिए हैं, वो तो मना ही कर देगा, मैंने तो लिया ही नहीं है। तो जो अगर आप कोई भी लाइफ में किसी को पैसा कुछ दे रहे हो तो पेपर वर्क होना बहुत ज़रूरी है, गवाह भी रखो, पेपर वर्क भी रखो, या कोई भी डील वील कर रहे हो। आजकल तो फ़ोन के ज़माने आ गए, कैमरे के ज़माने आ गए, वीडियो के ज़माने आ गए, रिकॉर्डिंग्स होने लग गई हैं, वीडियो बना लो बाकायदा कि भाई मैं आपको इतने पैसे, देखिए मैं आपको इतने पैसे दे रहा हूँ और आपके पास इतने पैसे हैं, उनके आगे मुँह पर बोल दो या उनसे बुलवा लो कि आपने इतने पैसे ले लिए, इतना बयाना है या इतने बचे हैं, जो भी है। और लिखत पढ़त ज़्यादा वैल्यू है, हालांकि इन वीडियो का भी इतना वो नहीं है, बट कुछ ना होने से तो फिर भी सही है कि भाई तुम्हारे आगे बंदे ने बंदे के अंदर एक तो खौफ आ जाता है इन चीज़ों से कि मेरी वीडियो बन रही है या मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, इस चीज़ का खौफ आ जाता है। मैंने डराया था एक बार, मेरे को याद है कोई किसी का मैंने फ्रीलांस काम किया था, उसने मेरे को पैसे नहीं दिए थे, तो मैंने उसको फिर मैंने बहुत बार पैसे मांगे, मेल में किया, मैसेज किया, कॉल मेरा उठाना उन्होंने बंद कर दिया। एक कोई फीमेल थी, वो फीमेल आर्किटेक्ट थी, तो मेरा कॉल उठाना बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया। तो मैंने ना उनको फिर जो उनकी जो असिस्टेंट थी ना जिससे मेरी बात होती थी, मैंने उसे देखकर धमकी दी। मैंने ये कहा, मैंने कहा ऐसा है आप सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जो जो हमारी बात होती है, जो जो आपने मेरे को चेंजेस बताए, मैंने सब कुछ करके दिए, फर्स्ट टाइम आपने कॉल करी उसकी भी रिकॉर्डिंग है, हमारे पैसों की बात हुई है, सब कुछ रिकॉर्डिंग है, अगर मेरे को अगली बार पैसे नहीं दिए मैं ये सारा उठा के सोशल मीडिया पर डाल दूंगा। उसी दिन कॉल आ गया मेरे को, तो ठीक है अपनी डिटेल बताओ, पैसे ट्रांसफर करते हैं। सही है, आजकल फिर होना भी चाहिए ऐसे जो नहीं देते, और उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हालांकि पहले ऐसे बहुत बार हुआ कि पैसे नहीं देते तो हम चुपचाप रहते, चल यार नहीं दे रहा छोड़ दो यार, कौन बार बार मांगे, कौन मांगे, कौन मांगे। बट जब बार बार ऐसा होने ही लग गया, ये जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं ये ज़्यादा करते हैं, काम वाम करवा लेते हैं, पैसे नहीं नहीं देते, तो फिर यार मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, उसका तो मिलना चाहिए उसका तो। तो अच्छी वीडियो थी आज की, और मतलब समझाने वाली, हाँ, प्रॉपर पूरे एग्जांपल वाली वीडियो थी, समझ आ जाना चाहिए इजीली। तो ये वीडियो थी HKD मुफ्ती तारिक मसूद चैनल से, आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।